मांगों को लेकर किसान जथेबंदिया की तरफ से एक मंच पर इकट्ठे होकर शुरू किए संघर्ष के चौथे दिन टांडा में किसानों की तरफ से दोआबा संघर्ष कमेटी के प्रधान जंगवीर सिंह रसलपुर की अगुवाई में सैकड़ों किसानों की तरफ से ट्रैक्टर पर सवार होकर रोस मार्च निकाला और ये रोस मार्च हॉस्पिटल चौक टांडा पहुंचकर किसानों ने केंद्र सरकार से अपनी मांगों के प्रति जम के नारेबाजी करते हुए मोदी का पुतला फूंका। टांडा विच जिहड़ा किसान जथेबंदी वालों संघर्ष शुरू किया गया सी, अज मोदी का संस्कार कर दिता इतने हस्पताल वाले चौंक दे विच। एक शुरुआत सी किसानां दी, इह जिहड़ी भरा मारू जंग दी नीति अपनाउण लगे सी, उहदी अज इत्थे किसान जथेबंदियां ने सलाह करके समाप्ति कर दित्ती आ, क्योंकि असी नहीं चाहुंदे कि पंजाब दे विच जिहड़ा माहौल खराब होवे, भाईचारा उस विच लड़े। ये जिहड़ी जंग है इहदी समाप्ति इत्थे कीती आ, एक इन्हां नूं ट्रेलर दिखा लिया आ, ते आउण वाले समें दे विच जिहड़ी ये जंग ये अपना बहुत ही तकड़ा जिहड़ा रूप धारूगी, क्योंकि अज जिहड़ा किसानां दा इकट्ठ आ ये सफल हो गया आ, ते जिहड़ा इन्हां ने संघर्ष शुरू किया सी ओह सफल हो गया, क्योंकि पूरा बाईकाट हो गया सी शहरां दे विच मंडियां दे विच। ते अज जिहड़ा मोदी दा संस्कार कर दिता उपरंत हुण सारे किसानां ने जिहड़ा धरना समाप्त कर दिता। स्वामीनाथन की रिपोर्ट सी वो लागू कराने वास्ते जिहड़ा संघर्ष है वह लगातार जारी रहेगा। डीजल दीआं कीमतां वधीआं उहदे वास्ते भी जिहड़ा संघर्ष लगातार चलता आ रहा सीगा, महंगाई वध रही सी जिहड़ी ये 2 रुपए किलो लैके घीआ 20 रुपए उस नाल ही मंडिया के विचों लैके शहर के विच बेचते सी, उत्ते बहुत तकड़ी जिहड़ी नत्त पऊगी, दुध के रेट वधूगे, ते इह जिहड़ी आ जंग जारी रहेगी। देश विदेश टीवी के लिए होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की विशेष रिपोर्ट। नवियां अते ताज़ियां खबरां देखन लई साडे यूट्यूब चैनल देश विदेश टीवी नू लाइक शेयर सब्सक्राइब किया जावे।